चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार अजय देवगन की बादशाह पिछले हफ्ते ही बॉक्स ऑफिस पर पूरे भारत में एक साथ रिलीज हुई। रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन के साथ बादशाह का जलवा अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान में यह फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत के साथ पाकिस्तान में भी शुक्रवार को पाकिस्तानी सिनेमा रिलीज होती है, मगर अजय की यह फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन का असर पड़ता है, जिस वजह से अजय देवगन की फिल्म ईद के मौके पर टाल दिया गया। यह फिल्म भारत में 1 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज की गई, पर पाकिस्तान में नहीं रिलीज किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों ने बताया कि पाकिस्तान फिल्म मेकर नहीं चाहते थे कि इंडिया की बिग बजट फिल्में शुक्रवार को उनकी फिल्में के साथ रिलीज हो, और अगर मौका ईद का हो तो वो फिर क्लैश होने का डर रहता है। पाकिस्तान की दो बड़े फिल्में पंजाब नहीं जाऊंगी और ना मालूम अवतार 2 रिलीज हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इस बड़ी फिल्म के कारण अजय देवगन की फिल्म स्क्रीन तक नहीं दी थी। पंजाब नहीं को 1200 स्क्रीन मिली थी, वहीं दूसरे पाकिस्तान फिल्म को करीब 1500 स्क्रीन दिए गए। इस वजह से अजय देवगन की फिल्म ईद के मौके पर पाकिस्तान में नहीं रिलीज हो पाई। बादशाह के ना रिलीज करने से पाकिस्तान के दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर सके। दोनों फिल्में के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी उछाल देखा गया है। दोनों की पाकिस्तानी फिल्मों ने अच्छी कमाई की है, पर अब अजय देवगन की बादशाह पाकिस्तान में इस शुक्रवार रिलीज होने जा रही है। वैसे तो अजय देवगन की बादशाह ने करीब अभी तक 60 करोड़ से ऊपर कमाई कर चुकी है।